हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन कलेक्शन टाइप का जो टपल्स का वीडियो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट फोर मैंने इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और फिर जब आप पार्ट फोर देखेंगे तो आपको काफ़ी समझने में ईजी होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैकिंग और अनपैकिंग इन टपल्स क्या होता है। पैकिंग एंड अनपैकिंग इन टपल्स, अनपैकिंग इन टपल्स। ठीक है, तो वर्ड से मालूम पड़ता है पैकिंग क्या होता है और अनपैकिंग क्या होता है। हम लोग डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज ही करते हैं। ठीक है, तो सपोज पैकिंग मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास एक बॉक्स का कंटेनर है। ठीक है, बॉक्स का कंटेनर है और उस कंटेनर को हमने, हमारे पास एक सपोज एक बॉक्स का कंटेनर दे दिया और इसमें हम लोग वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं टपल्स के वैल्यूज को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, पैकिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैकिंग। ठीक है, और इसी जब वैल्यूज को हम लोग, जब ये बॉक्स को हम लोग पैक करने के बाद जब लोग कहीं पर ले जाएंगे या फिर हमें वहाँ पर खोलना पड़ेगा तो उस खोलने की चीज़ क्या क्या बोलते हैं हम लोग, अनपैकिंग करना, सारे वैल्यूज को निकालना वन बाय वन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपैकिंग। उसको यहाँ पे यू से दिखाया जाता है। ठीक है, अनपैकिंग। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग। पहले हमने वैल्यूज को ऐड कर दिया, बॉक्स को पैक कर दिए, फिर हम लोग उस चीज को जब ओपन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, अनपैकिंग। ठीक है, तो मैं एक टपल क्रिएट कर लेता हूं। मैं टपल वन इज इक्वल टू एक रैंडम वैल्यूज देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने रैंडम वैल्यू दे दिया ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग्स भी है और इंटीजर टाइप भी है। ठीक है, तो टपल्स वन मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये हो गया अपना पैकिंग, हमने वैल्यूज को क्रिएट कर दिया, तो ये हो गया अपना पैकिंग। और अब अनपैकिंग करने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक समझने के पहले हम लोग उस चीज का सिंटेक्स अगर समझ लेंगे तो वो चीज़ें समझने में हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होता। तो जो भी हम लोग वैल्यूज असाइन करेंगे, तो अनपैकिंग करने के लिए, अनपैकिंग मतलब बेसिकली होता है कि हम लोग उस वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल नेम वन लेता हूँ, वेरिएबल नेम टू लेता हूँ और उसके अगेंस्ट मेरे पास एक टपल है। ठीक है, टपल वन यहाँ पे डाल सकता हूँ या फिर मैं वैल्यूज डाल सकता हूँ। सपोज मैंने ए और बी डाल दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, जब भी मैं वेरिएबल ए को एक्सेस करूंगा तो मुझे ए मिलेगा। ठीक है, और जब मैं वेरिएबल टू को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं अनपैकिंग। हमने वैल्यू ए को वेरिएबल ए में असाइन कर दिया और वैल्यूज बी को हमने वेरिएबल टू में असाइन कर दिया। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट वेर वन, प्रिंट वेर टू, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एन, तो यहाँ पे ए एंड बी मिला। ठीक है, वेरिएबल वन इज इक्वल टू ए, वेरिएबल बी इज इक्वल, वेरिएबल टू इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे देते हैं, इसे समझने में इजी पड़ेगा चीजें को। वेरिएबल टू, ठीक है, यहाँ पे हमें वेरिएबल वन इज ए एंड वेरिएबल टू इज, सॉरी वेरिएबल वन इज ए एंड वेरिएबल टू इज बी। अभी हमारे पास ये टपल्स वन था, इसको अनपैकिंग करके हम लोग देखते हैं। ठीक, तो मैं एक अच्छा सा टपल्स क्रिएट कर लेता हूँ जिसको और भी अच्छी इजीली समझ में आएगा विथ मतलब कुछ एक स्पेसिफाइड वैल्यू लेते हैं हम लोग सपोज। ठीक है, हमने एक एप्पल ले लिया, ठीक है, और एक डबल टू क्रिएट कर देते हैं हम लोग, इसका लेंथ थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैरी तक ही जाते हैं। ठीक है,
में बनाना डाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अब इसे मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के साथ, और उस चीज को हमें मुझे यूज करना रहेगा सपोज इन फ्यूचर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एप्पल का हम लोग कलर के बेसिस पे हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। कलर क्या होता है, रेड, एंड मैंगो इज ग्रीन कलर का भी होता है, कच्चा रहेगा तो ग्रीन कलर, ठीक है। एंड बनाना इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे टपल्स वन डाल देते हैं यहाँ पे लेडीज। जब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे वन बाय वन, रेड प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एप्पल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने रेड को ऐसे कर दिया, हमें स्ट्रिंग में नहीं देना चाहिए था ये मिस्टेक। हमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है यहाँ पे, ना कि वैल्यूज। ये हमारा रेड हो गया, हम लोग एक बार ग्रीन असाइन कर देते हैं, आपका ग्रीन का वैल्यूज प्रिंट कर देंगे, येलोज एंड येलोज का वैल्यूज। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग आउटपुट प्रिडिक्ट कीजिए कि क्या आने वाला, ठीक है, गेस कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे कि आउटपुट में रेड को हम लोग ने एप्पल के साथ मैपिंग किया, ग्रीन को हमने मैंगो के साथ मैपिंग किया, और येलो को हमने बनाना के साथ मैपिंग किया, तो आउटपुट में भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो कोड को हम लोग रन कर लेते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और हाँ करते हैं। देखो, रेड के साथ एप्पल आ गया, ग्रीन के साथ मैंगो आ गया, एंड येलो के साथ बनाना आ गया, ठीक है। अभी हम लोग ये टप्पल को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये टप्पल्स के वैल्यू को मैंने तो शिफ्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ा एडवांस लेवल बजाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया कि सपोज मैं तीन वैल्यूज है और तीन वैल्यूज को असाइन कर लिया, बट इसमें अगर सपोज बहुत सारे वैल्यूज है, बहुत सारे वैल्यूज है, इसमें अभी मैंने सिक्स वैल्यूज ले लिया, तो मुझे स्टार्टिंग के एक वैल्यूज को मैं एक दूसरे वेरिएबल में असाइन करना है, और मैं तीन वैल्यूज को मुझे दूसरे वेरिएबल में असाइन करना है, और इस वैल्यूज को मुझे एक अलग वैल्यूज में असाइन करना है, मतलब वेरिएबल में असाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कितना वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, पांच वेरिएबल नहीं, इसी को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिर्फ तीन वेरिएबल यूज करेंगे। थोड़ा एडवांस में हम लोग जाते हैं, तो कितना वेरिएबल यूज करेंगे, तीन वेरिएबल। पहले वेरिएबल में हम लोग ये डाल देंगे, दूसरे वेरिएबल में हम लोग मैंगो टू कीवी इसमें स्टोर कर देंगे, और थर्ड जो बनाना है उसमें हम लोग वो स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन, ठीक है, स्टार साइन, एस्ट्रिक, ये चीज यूज करके हम लोग इस फीचर्स को यूज कर सकते हैं, यूज स्टार साइन, एस्ट्रिक साइन। अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, तो सपोज मैं भाई एग्जाम्पल लेता हूँ, रेड ग्रीन येलो, ठीक है, ग्रीन रेड येलो, और वैल्यूज जब असाइन करना रहेगा हमें, तो यहाँ पे मैं अगर टपल वन डाल देता हूँ तो क्या होगा, रेड के साथ एप्पल मैपिंग हो जाएगा, ग्रीन के साथ मैंगो मैपिंग हो जाएगा, चेरी के साथ येलो मैपिंग हो जाएगा, बट बाकी के दो वैल्यू तो बच गए। तो उस केस में हमें क्या करना था, हमारा केस क्या था कि एप्पल को हमें रेड के साथ मैपिंग करना था, मैंगो टू कीवी को हम लोग ग्रीन के साथ मैपिंग करना था। तो हम लोग जब भी हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट किया था ना, उसके आगे जो है ना एस्ट्रिक साइन डाल देंगे, ठीक है, आगे ना कि पीछे, पीछे डाल देंगे तो एरर देगा हमें, आगे डालना हमें, ठीक है। तो हम लोग ग्रीन के आगे हमने यहाँ पे एस्ट्रिक साइन यूज कर लिया, अब ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये तीन वैल्यू को ग्रीन में असाइन कर देगा, ठीक है। हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कोड को रन कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एंड। देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रेड में एप्पल्स आ गए, ग्रीन में क्या आ गया, मैंगो। और ये चीज नोट करना, जब भी आउटपुट हमारा आता है ना, वो क्या है, लिस्ट में अगर मोर देन वन वैल्यू जाए ना, तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसका टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं, जैसे आपको डाउट जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रीन, टाइप ऑफ ग्रीन, टाइप ऑफ ग्रीन इज लिस्ट, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा वैल्यूज को एक्सेस करने का एक तरीका है। अब सपोज मुझे रेड ग्रीन करना है, अब येलो में सारे वैल्यूज असाइन करने रहेंगे, तो सेम टेक्निक अप्लाई करना है, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने टपल्स वन को नीचे डाल दिया,
अभी हमें क्या करना है, इसको सपोज एक केस का जहाँ पे हमें एप्पल्स को रेड के साथ मैपिंग करना है और मैंगो को ग्रीन के साथ मैपिंग करना है और उसके लास्ट के वैल्यूज को येलो के साथ मैपिंग करना है। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर येलो के आगे हम लोग स्टार डाल देंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रीन देखेंगे क्या है, टाइप ऑफ येलो क्या है आउटपुट में, ये दोनों वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, कंट्रोल को कंसोल को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कोड को रन करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे ना, जब भी सिंगल वैल्यूज रहेगा ना उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, बट जब मल्टीपल वैल्यूज उसके अंदर आ जाते हैं तो उसका टाइप क्या रहता है, लिस्ट। ठीक है, तो हम भी देखेंगे ना, यहाँ पे देखो चेरी से लेके बनाना तक येलो के अंदर आ गया और जो मैंगो था अभी ग्रीन के साथ असाइन हो गया। तो ये केसेस हमने एग्जाम्पल में देख लिया। ठीक है, तो ये इस चीज को यूज करके हम लोग टपल्स के वैल्यू को अनपैकिंग कर सकते हैं, काफी इजी वीडियो था, है कि नहीं? तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर उन्हें अगर पाइथन सीखना रहेगा तो ये कंप्लीट सीरीज वो लोग देख के सीख सकते हैं। मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके बेसिक से स्टार्ट किया पूरा और यहाँ तक हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट कवर करते हैं कि सपोज अगर मुझे एक पाइथन के अंदर मेथड होता है जिसको यूज करके हम लोग कि कितने वैल्यूज उसके अंदर असाइन है, मतलब कितने वैल्यू कितने बार वो वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और अगर सपोज मुझे काउंट करना रहेगा और उसका पोजिशन निकालना रहेगा तो वो चीज़ें हम लोग उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेथड जो है वहाँ पे वो काउंट एंड इंडेक्स मेथड टपल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन मेथड ऑफ टपल। तो एक हम लोग एक नया टपल क्रिएट करते हैं, टपल टपल टू इज इक्वल टू, टपल टू इज इक्वल टू क्या मेरा मस्त बना है। ठीक है, तो हम लोग टपल टू क्रिएट करते हैं, ए ए वन बी सी डी। ठीक है, मैं वापस से टपल्स के अंदर अभी बताओ टपल्स है, इसमें जब हम लोग वैल्यूज असाइन करेंगे तो हमें काउंट करना है कि वो उसमें वैल्यूज है कि नहीं। ठीक है, तो इसके वैल्यूज को हम लोग बाद में मल्टीपल्स वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि ये डुप्लीकेट अलाउ करता है, टपल्स जो है वो डुप्लीकेट अलाउ करता है, याद रखना। ठीक है, लिस्ट एंड टपल्स डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करते हैं, तभी मुझे चेक करना है कि ये जो है वो कितनी बार एग्जिस्ट है इसके अंदर। अभी देखने से क्या मालूम पड़ता है, वन एंड टू दो बार जो है ए आया है, दो बार आया है बी, सी एंड डी कितनी बार है, वन वन टाइम्स आया है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख के मालूम कर सकते हैं, बट सपोज हमारे पास जो टपल्स क्रिएट किया उसका साइज बहुत ज्यादा साइज है तो उस केस में कैसे मालूम करेंगे, तो हम लोग काउंट एंड इंडेक्स का यूज करेंगे। तो काउंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, काउंट मेथड का। तो टोटल ए टपल टू, तो इसके लिए क्या करेंगे, टपल टू वेरिएबल नेम, सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम डॉट काउंट मेथड पर जो चीज काउंट करना रहेगा हम वो चीज हमें यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है, तो काउंट का सिंटेक्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक है, काउंट का सिंटेक्स, काउंट सिंटेक्स, तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम पास करेंगे डॉट काउंट मेथड और जो वैल्यूज हमें काउंट करना है वो चीज हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये भी काउंट का सिंटेक्स। अभी हम लोग इस कोड को रन करते हैं, सारी वैल्यूज को जो है कमेंट करें थे प्रीवियस वैल्यू को, जब कंसोल एकदम क्लियर दिखाई देगा और हम लोग कोड को रन कर लेते हैं। काउंट ऑफ तो टोटल ए एंड टपल्स टू इज टू, तो ए कितने बार आया है, दो बार आया है। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि बी कितनी बार आया है वो भी चेक कर लेते हैं और सी कितनी बार आया है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए हम लोग कितनी बार आया वो चेक कर लिए, बी कितनी बार आया वो चेक कर लेंगे और सी कितनी बार आया है, और कुछ ऐसा वाले चेक करते जो इसमें है ही नहीं। ठीक है, एफ चेक करते हैं, एफ कितनी बार आया, आपको क्या आना चाहिए, इसका जीरो आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए टू, बी का भी आउटपुट टू आएगा। ठीक है, एंड एफ का आउटपुट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, टू टू एंड जीरो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए हमें एरर थ्रो कर देगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता कोई बात नहीं,
अगर उसका काउंट कितना है, जीरो काउंट ना, यहाँ पे जीरो काउंट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा अगर एग्जिस्टिंग करता है, ठीक है। अभी सपोज हम लोग इंडेक्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं इंडेक्स का एग्जाम्पल। तो इंडेक्स का यूज क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग चेक करना है कि उसका इंडेक्स पोजिशन क्या है, टू गेट द इंडेक्स पोजिशन हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यूज इंडेक्स मेथड, सिंपल। तो ये भी हमें इंडेक्स पोजिशन निकलना रहेगा, हम लोग इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो हमें चेक करना है इंडेक्स ऑफ ए इन टपल टू, इंडेक्स ऑफ ए इन टपल टपल टू डॉट इंडेक्स, और जो हमें इंडेक्स निकालना रहेगा वो वैल्यू हमें यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। हमें ए का निकालना है, कभी मैं सिंटेक्स आपको यहाँ पे दे देता हूँ। इंडेक्स मेथड सिंटेक्स, ठीक है, इंडेक्स मेथड सिंटेक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम पास कर देंगे हम लोग डॉट इंडेक्स मेथड, एंड यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यूज पास कर देंगे जो वैल्यूज हमें सर्च करना है उसके अंदर। अभी बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, गैस के लिए आप लोग कि हम लोग जब ये कोड रन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा। हमारा ए जो है, हमारा बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि टपल्स में इंडेक्सिंग कहाँ से चढ़ता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो टपल में इंडेक्सिंग कहाँ से चढ़ता है, जीरो से। तो ए का जो वन का पोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। ए का पोजिशन क्या रहेगा, वन। तो यहाँ पे वन पे भी है जीरो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो वन पे भी है ए एंड फाइव पे भी ए। जब हम लोग कोड को रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए बताओ आप लोग, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, वन आएगा। जो फर्स्ट अकरेंस रहेगा ना उसी का आउटपुट हमें दिखाई देगा, जो सबसे पहला पोजिशन जो भी रहेगा ना उसका, वो हमें आउटपुट में आने वाला है, ठीक है। तो जब हम कोड को रन करेंगे तो उसका इंडेक्स क्या आएगा, वन आएगा। अभी मुझे अभी यूजर का रिक्वायरमेंट पड़ा, सपोज कि नहीं, मुझे पहला जो है वो नहीं चाहिए, पहले के बाद जो है ना वो इंडेक्स पोजिशन चाहिए, ठीक है। तो उस किस्म का हमें पता है कि ए जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन के बाद वाला अगर हमें ए चाहिए रहेगा, तो इसमें थोड़ा एक एडवांस मेथड थोड़ा अपडेट हुआ है उसमें। ये तो ऑप्शनल हो गया कि हम लोग एक स्टार्टिंग इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं और एंड इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर सपोज मुझे इस दो वैल्यूज की, इस दो इंडेक्स पोजिशन के बीच का वैल्यू निकालना है, मतलब उसका इंडेक्स पोजिशन निकालना है, तो उस केस में हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज तो पास करेंगे, बट कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी पास कर देंगे, स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स वैल्यूज ए। सपोज मैं टू से स्टार्ट करता हूँ और फाइव से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सो रेडी रहिएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, अभी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पे तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। इसको मैं सिक्स कर लेता हूँ, इसको रन करता हूँ, पहले पहले कोड को रन करता हूँ, देखते इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पे टपल्स डॉट इंडेक्स एक्स इज नॉट टपल, एक्स इज नॉट टपल, ठीक है। जब हम लोग ए के अंदर जब वैल्यूज देख रहे हैं यहाँ पे, तो टू से लेकर फाइव के बीच में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे ये एरर दे रहा है यहाँ पे। अभी हमें सपोज चेक करना है, अगर टू से लेके सिक्स दे दे यहाँ पे, टू से लेके सिक्स का वैल्यू पास कर दे, तो आउटपुट में क्या जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किया था। हम लोग चेंजेस कर सकते थे, बट मुझे आपको दिखाना था कौन सा एरर आता है, ठीक है। तो ए जो है उस वैल्यूज के अंदर आया ही नहीं है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे टेन दे दिया, का लेंथ कितना है, जीरो सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई मुझे एक इंडेक्स जो है मुझे टू से लेकर टेन तक निकालना है। सपोज मैं यहाँ पे सिक्स दे देता हूँ, ठीक है, फाइव से स्टार्ट करता हूँ, फाइव पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पे फाइव देंगे नहीं, सिक्स दे देंगे, और सिक्स से लेके मैं यहाँ पे टेन दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे ट्वेंटी दे देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आने वाला है, गेस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो सोचिए बताइए, जब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पोजिशन जो एंडिंग का है वो हम लोग ग्रेटर देन लेंथ देंगे,
तो उस केस में वो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि मुझे आउटपुट देगा, ठीक है, प्रिंगेस कर लिया, मैं कोड को रन करता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको पहले लगा दूँ, अभी यहाँ पे 6 से लेकर 20 के बीच में ए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 2 से लेकर 5 के बीच में ए एग्जिस्ट नहीं किया था, तो इसने क्या दिया था, एक्सेप्शन थ्रो किया था। वैसे ही सिमिलर केसेस है, जब हम लोग 6 से लेकर 20 के बीच में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ए एग्जिस्ट करता है नहीं है, ये भी क्या थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। बट इसी चीज़ को अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दे हम लोग, इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर दे, हम लोग 6 के बदले यहाँ पे 4 डाल दे, तो इस केस में हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड को हम लोग रन कर लेते हैं और सारे कॉन्सेप्ट के डाउट जो हमें क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक्स इज नॉट अ टपल, ठीक है, यहाँ पे कोड अपना फट गया यहाँ पे, और एक्स इज नॉट अ टपल 6 से 20 के बीच में वो एग्जिस्ट करता है नहीं, इसलिए आउटपुट नहीं आया। और यहाँ पे देखोगे ना 5, देखो यहाँ पे आउटपुट जो है ना, ये इसका आउटपुट, ठीक है, 4 से 20 का आउटपुट है। तो इसको हम लोग पहले कोड को कमेंट, आपको ये लॉजिक समझ में आया ना ये वाला? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, जहाँ से मैंने काउंट का और इंडेक्स का पार्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो काउंट इंडेक्स में लॉजिक कैसा है कि अगर सपोज जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो अगर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच में आता है तो हमें वो आउटपुट दे देगा। बट हमने सपोज एक इंडेक्स पास कर दिया जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वह उस इंटरवल के बीच में या फिर उस वैल्यूज के बीच में, उस पोजिशन के बीच में वो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हमें ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है, वैल्यू एरर करके। बट अगर एक भी वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है उस सपोज में, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 4 से 20 पास किया था, तो इसके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मुझे आउटपुट दे देगा, ठीक है। भले इसका लेंथ 20 से 20 है, भले मेरा लेंथ 10 था या फिर मेरा लेंथ 5 है, सपोज मेरा लेंथ 6 है 7 है, बट मैंने ग्रेटर देन लेंथ दे दिया, एंडिंग पोजिशन मैटर नहीं करता है इसमें, सिर्फ स्टार्ट पोजिशन मैटर करता है। मतलब स्टार्ट पोजिशन से लेके एंड पोजिशन के बीच में अगर एडजस्ट करता है तो हमारा आउटपुट कंप्लीट आएगा, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। सिंपल सा लॉजिक, तो हम लोग इसको कमेंट करते हैं जैसे हमारा आउटपुट जो है वो प्रॉपर दिखाई दे। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत ही इजी मैंने टॉपिक बताया था, कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर कर दिए काउंट और इंडेक्स के बेसिस पे, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है टपल्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, इससे उनका भी नॉलेज जो है पाइथन के ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।